देखिए सर, पुलिस एक ऐसा विभाग है जहाँ पर किसी प्रकार की छुट्टी नहीं, किसी प्रकार का टाइम नहीं होता है, लेकिन कोरोना महामारी में जो पुलिस ने जो काम किया था, लोगों ने पत्थर बरसाया, पुलिस के साथ मारपीट की, उस बावजूद भी पुलिस ने लोगों का साथ दिया, लोगों को समझाया और अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों के लिए काम किया। हाँ, बिल्कुल सही है, और बल्कि मुझे तो लगता है कि पुलिस हमेशा ही इसी तरीके से काम करती है जैसा कोरोना में किया। कोरोना में हमारा काम उभर कर के सामने आया, लोगों को दिखा कि हम लोग समाज की रक्षा के लिए, समाज की मदद के लिए होते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पुलिस की तारीफ की। वो बार बार इंदौर पुलिस की तारीफ की करते, और कल भी वो जब इंदौर पहुंचे तो उन्होंने इंदौर पुलिस की तारीफ की। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही मुक्त कंठ से इंदौर पुलिस की तारीफ करते हैं, और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को यहाँ की पुलिसिंग, यहाँ की कार्यप्रणाली से सीख लेने की सलाह देते रहते हैं। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं कि वो हमारे काम को मूल्यांकन कर करके और हमें सराहना देते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सावर्धन भी होता है। 24 घंटों में बैंक लूट वाले अपराधी हो या चेन स्नेचर हो या अपराध किसी भी प्रकार का, उनको 24 घंटे में पुलिस ट्रेस करती है इंदौर की। जी बिल्कुल सही बात है, और उसके लिए हम लोग हर इस तरह हर अपराध को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, और पूरी इंदौर पुलिस इसमें दोनों जिले पूर्व पश्चिम टीम की तरह काम करके, हमारी क्राइम ब्रांच DIG साहब के नेतृत्व तो बहुत अच्छी तरीके से टीम वर्क में काम कर करके कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी सनसनीखेज अपराधों का पता लगाया जा करके और अपराधियों को जेल भेजा जा सके। महिलाओं के अपराध की बात करें या गुंडा अभियान की बात करें, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी कह चुके हैं कि किसी प्रकार से भी महिलाओं के साथ अपराध नहीं होना चाहिए और अपराधियों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, और अपराध किसी प्रकार का भी हो, अपराधी या तो मध्य प्रदेश छोड़ के चले जाए या अपराध बंद कर दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, महिलाओं के प्रति जो भी अपराध घटित होते हैं वो किसी भी दृष्टि से समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, और समाज में महिलाएं अगर असुरक्षित फील करें तो हमारा आधी आबादी असुरक्षित हो जाती है। इसलिए हम भी लगातार इसके प्रति हायर लेवल की सेंसिटिविटी रखते हैं जी। और कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी इस तरह का अपराध होता है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको राहत दी जाए, विक्टिम को और अपराधी को पकड़ा जाए। कहीं युवा चाहते हैं सर पुलिस विभाग में काम करने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि वो समाज सेवा करें। आप जब पुलिसिंग में आए सर, क्या सोचा था आपने, और लोगों को हमारे जो बीच जो हमारे दर्शक और जो युवा आना चाहते हैं पुलिस में, उनको क्या सलाह देंगे? ये बात आप सही कह रहे हो कि हर युवा पुलिस में भर्ती होना चाहता है, सबसे ज़्यादा आकर्षण पुलिस का ही होता है लोगों के मन में जी, और हमारे मन में भी था ही निश्चित रूप से। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे पुलिस बल में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आए, अच्छे अच्छे लोग आए, और अगर कोई समझता है कि पुलिस की नौकरी से समझ नहीं आती है तो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से आकर के मिल करके गाइडेंस ले सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है। और विजय खत्री SP इंदौर से खास बातचीत देखिए फेस टू फेस में एडिटर इन चीफ बाबू शेख के साथ बुधवार रात 8 बजे सिर्फ ACN भारत पर।